बच्चों लोग, आज के क्लास के बिगनिंग में लोग सीखेंगे कि अगर आपके पास अमीन ग्रुप होता है, ध्यान देना, एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास अमीन ग्रुप होगा और उसको ट्रीट करोगे NaNO2 प्लस HCl से, ठीक है। बेसिक अपना रिएजेंट आपके पास क्या है अभी का? NaNO2 प्लस HCl, इस रिएजेंट का हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो रिएजेंट हो गया, इसका रिएक्शन किस पे सीखेंगे हम लोग? तो हम लोग सीखेंगे प्राइमरी अमीन पे, प्राइमरी अमीन पे। तो प्राइमरी अमीन यानी RNS2। ध्यान रहा, इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो तो मैं आपको समझा रहा हूं। रिएजेंट आगे भी यूज होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास प्राइमरी अमीन दिया रहेगा, ठीक है, तो जब भी आपके पास चलो प्राइमरी अमीन दिया रहेगा और उसमें हम रिएजेंट ऐड करेंगे, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। इसमें रिएक्शन क्या होता है, ध्यान देना, होता क्या है कि NaNO2 प्लस HCl मिलकर फॉर्म करता है नाइट्रस एसिड, मिलकर फॉर्म करेगा, यहाँ पे एक आयनिक रिएक्शन होगा और फॉर्म करेगा NaCl और बनेगा HNO2। ये जो नाइट्रस एसिड है यही अपना मेन रिएजेंट होता है, ठीक है। तो यही इसी का फंक्शन होता है बेसिकली, नाइट्रस, इसको बोलते हैं लोग नाइट्रस एसिड, और ये एसिड होता है अनस्टेबल, ठीक है, ये होता है अनस्टेबल, इसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू स्टोर इट। सो स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि नाइट्रस एसिड का जब भी हमको जरूरत होता है तो हम लोग यूज करते हैं NaNO2 प्लस HCl, यानी इसका मेन काम है इस एसिड को क्रिएट करना, ठीक है। जब भी केमिस्ट्री में NaNO2 प्लस HCl रहेगा, इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली इसका रोल होता है नाइट्रस एसिड को बनाना। यानी यहाँ पे अगर आपको ऐसा भी लिख के दे दे कि RNH2 में डाल रहे हैं हम नाइट्रस एसिड, ठीक है, तो या तो NaNO2 लिखा रहेगा या फिर कभी कभी आपको दे सकता है कि हम इसमें डाल रहे हैं HNO2। दोनों का काम सेम ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो NaNO2 प्लस HCl है वो भी क्या फॉर्म करेगा, वो भी फॉर्म करेगा आपका नाइट्रस एसिड फॉर्म करेगा, वो भी क्या फॉर्म करेगा आपका नाइट्रस एसिड ही फॉर्म करता है, ठीक है, ये ध्यान देना। जब भी NaNO2 प्लस HCl हो या नाइट्रस एसिड हो दिया रहेगा सिस्टम में, अब करोगे क्या, ये जो RNH2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है RN2+ में। कैसे कन्वर्ट होता है इसको हम लोग बाद में कभी सीखेंगे, बट अभी आपको याद रखना है कि इसको कन्वर्ट करना है RN2+ में, ठीक है, RN2+ में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, अब चूंकि N पे चार्ज पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, तो अगर पॉजिटिव को हटाना तो क्या होता है, आपका जो N2+ है वो बाहर निकल जाएगा, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा R+, और यहाँ पे N2 गैस बाहर निकलेगा, यानी आपका बन जाएगा कार्बोकैटायन, क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब ध्यान दोगे, यानी हम लोग सीख चुके हैं कि अगर आपके पास RNH2 हो और इसमें हम दिया रहे NaNO2 प्लस HCl और दिया रहे नाइट्रस एसिड, दोनों में क्या काम करना है, तो आपको बनाना है RN2+ बनाना है, और N2 में नाइट्रोजन अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाके बनेगा कटायन, बनेगा कटायन। अब ध्यान देना, कटायन बनने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, तो रीअरेंजमेंट होगा। तो
अगला स्टेप क्या होता है, रीअरेंजमेंट होगा। तो जब भी हम लोग रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अगला स्टेप होता है रीअरेंजमेंट। अगर मैं जूम कर रहा है कि आर प्लस रीअरेंज होके एक नया आर प्लस बन गया, एक नया आर एल प्लस बन गया, ठीक है। तो ये हो गया रीअरेंजमेंट के बाद, ये बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप रीअरेंजमेंट के बाद आपको क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोनेट बनाना है। मोर स्टेबल अगर पॉसिबल है तो मोर स्टेबल कटायन फॉर्म कर जाएगा अगर उसमें रीअरेंजमेंट का स्कोप होगा तो, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट के बाद आपका नया कटायन बन गया। आप ध्यान देना वो जो न्यू कटायन है इसको मैं यहाँ लेके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर अल्टीमेटली रिएक्शन क्या होगा, तो इसमें तीन टाइप का रिएक्शन पॉसिबल है। अगर सिस्टम में हीटिंग दिया रहेगा, हीटिंग दिया रहेगा तो आपका बन जाएगा अल्कीन। कैसे बनेगा आगे हम समझा देंगे, कैसे बनेगा हम समझा देंगे आगे देखो, ठीक है। और हीटिंग नहीं दिया हो तो, अगर हीटिंग नहीं दिया रहेगा तो उसमें ऑप्शन क्या क्या ध्यान देना। नॉर्मली क्या होता है, वाटर आपका सॉल्वेंट होता है और वाटर दिया रहता है आपका सॉल्वेंट से आएगा। तो वाटर दिया रहे तो क्या हो, सॉल्वेंट अटैक करेगा तो आर ओ ओ एच प्लस बनेगा और यहाँ से फिर क्या होगा आपका एच प्लस निकाल दे तो बन जाएगा आपका अल्कोहल, बन जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है। तो हीटिंग रहे तो अल्किन बनेगा, हीटिंग नहीं रहे तो सॉल्वेंट अटैक करके आपका वाटर बना देगा। और ध्यान ना, क्योंकि सिस्टम में HCl यूज किए थे तो HCl यूज करके क्या बना था, यहाँ पे एक NaCl फॉर्म किया था तो सिस्टम के अंदर NaCl भी रहेगा। तो NaCl चूंकि एक आयनिक कंपाउंड है तो उसमें से एक प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा तो जो Cl- है वो भी अटैक कर सकता है, वो भी R+ पे अटैक कर सकता है। तो कुछ हद तक Cl- है तो वो भी अटैक कर सकता है, तो ये बनेगा RCl। यानी यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी होता है, अगर हीटिंग दिया तो अल्किन बनाएंगे, हीटिंग नहीं तो अल्कोहल बनाएंगे, और अल्कोहल होता है मेजर, अल्कोहल होता है मेजर। मतलब अगर Cl- को ऐड करना, अल्कोहल का ऐड करता है, अल्कोहल होगा मेजर और ये माइनर होता है, ये आपका माइनर होता है, ठीक है। तो इसको अगर सिंगल स्टेप हम सम करें, सम करें तो ध्यान देना, जब भी आपके पास आर एन एच टू रहेगा और हीट और इसमें डालते हैं बस इतना देकर छोड़ देगा, बस इतना ऐड करके छोड़ देगा, ठीक है। या फिर एच एन ओ टू दिया रहेगा तो क्या करोगे, तो सिंपली क्या करना, अगर हीटिंग उटिंग नहीं दिया हुआ तो बस सिंपली क्या करना, आप बना देना एन एच टू को हटा देना, कटान बनेगा, कटान में अगर रिएजमेंट पॉसिबल है तो उसको देख लेना, और रिएजमेंट नहीं होगा तो सिंपली क्या होगा उसमें अल्कोहल जोड़ देना, जहाँ पे कटान स्टेबल होगा वहाँ पे आर ओ एच को जोड़ दोगे, ठीक। इतना कर लेना है, जैसे मान ले अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि सी एच थ्री एन एच टू में हम ऐड कर दे रहे हैं इस रिएजेंट को, इसमें तो पहले बनेगा सी एस थ्री एन टू प्लस बनेगा, कटायन बनेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपका अल्कोहल जुड़ जाएगा, यानी उसको डाके ओएच लगा देना आपको। ये मेजर मेजर ही होता है, ठीक है। अब इसमें केस अल्कोहल में फॉर्म हो जाएगी क्या, फिर से बोलना लक्ष्मी बच्चा। सर जो कार्टन फॉर्म हुआ वो क्या डायरेक्ट अल्कोहल में फॉर्म अल्कोहल बन जाएगी? हाँ, मतलब डायरेक्ट मतलब अल्कोहल बना देगा, क्योंकि सिस्टम में क्या होता है वाटर होता है ना, मतलब वाटर आपका सॉल्वेंट है तो वाटर दिखाए नहीं दिखाए आपको अल्कोहल तो पहुंचा देना है, मतलब वाटर आपको यही बोल रही थी वो डायरेक्ट कैसे बन जाएगी, तो कोई रीजन तो चाहिए ना अल्कोहल बनने के। नहीं रीजन नहीं चाहिए बच्चा ना, क्योंकि आपका जो ये आपका सॉल्ट है ना, सॉल्ट कहाँ लोगे, पानी में लोगे, तो सॉल्वेंट तो वाटर होगा ना, तो वाटर अटैक करके बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में वाटर नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन बस अगर इतना भी देगा ना तो भी आपका अल्टीमेटली अल्कोहल बना देना आपको, स्टॉप नहीं करना बीच में, ठीक है। तो नॉर्मली आपके आपके जो नीट के लेवल में होता है वो अल्कोहल अल्कोहल मेजर बनाता है वो लोग, ठीक है। तो नीट वाले में अल्कोहल के लिए हम लोग फोकस करेंगे, ठीक, पसंद में। अब ध्यान देना, यस सर, एक एग्जांपल लेकर वो समझा दे रहे हैं जहाँ पे रिएजमेंट का भी स्कोप होगा, एग्जांपल दे रहे हैं आपके सामने।
जैसे मान ले ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम अगर दिया रहेगा आपके पास, ठीक है, कि NaNO2+HCl क्या करेगा, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, चलो तो पहले तो कटायन बनाएगा यहाँ पे, तो आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, N2+ में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, N2+ में कन्वर्ट करेगा, N2+ क्या होगा, तो पहले कड़ान बना, अब जाना अभी जो कड़ान उसका अल्फा एच कितना है, इसका अल्फा एच आपको दिख रहा है, अल्फा एच कितना है, तो 2 अल्फा एच है, तो अगर हम कड़ान को रीअरेंज करते हैं, तो कड़ान को रीअरेंज कर यहाँ पे आ जाए इस पॉइंट पे, तो आपका अब अल्फा एच कितना हो जाएगा, तो आपका अल्फा एच हो जाएगा, काउंट कर ले तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो अल्फा एच 4 हो जाएगा। तो अब जो कटैन है वो पहले वाले कटैन से ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब देख रहे हैं कि इसके बाद भी एक और बॉन्डेशन पॉसिबल है, अगर यहाँ का हाइड्रोजन उठा के इसको अगर यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो अगला जो कड़ान बनेगा वो और स्टेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कड़ान बनेगा वो और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल कटैन का जो प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अगर इसमें हीटिंग दे देंगे, अगर इसमें हीटिंग होता तो अल्किन बनेगा, तो अल्किन कौन सा बनाओगे, तो स्टेबल अल्किन बनाना, जो सबसे स्टेबल है उसको बनाओगे। तो स्टेबल अल्किन कहाँ से बनेगा, तो यहाँ से बनेगा, तो आपका जो अल्किन बनेगा ऐसा कुछ बन जाएगा। हीटिंग दिया रहेगा तभी अल्किन बनाएंगे, हीटिंग नहीं दिया तो अल्किन नहीं बनाएंगे, तो स्टेबल अल्किन बन जाएगा आपका। ठीक है, और हीटिंग नहीं दिया रहा तो क्या, सिंपली क्या करेंगे, वाटर से अटैक करवा देंगे, तो बाय डिफॉल्ट वाटर अटैक करेगा, अल्कोहल बन जाएगा, तो अल्कोहल यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर ओएच बन जाएगा। ठीक है, और कभी कभी आपको हैलाइड जो सीएल माइनस यहाँ बचा हुआ सिस्टम में सीएल माइनस पे अटैक कर लेगा, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है किसका, हैलाइड का, ये लेकिन माइनर पॉसिबिलिटी होता है। हीटिंग रहे तो अल्किन, हीटिंग नहीं रहे तो क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। आपके लेवल में अल्कोहल ही ज़्यादा काम का चीज़ है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपका आपको समझा दिया कि इसमें प्रोसेस कैसे करना है, बट ध्यान देना आपके लेवल में होता है ना, कि आपके लेवल में बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा, उसमें रिएजेंट का स्कोप नहीं रहता है। ठीक है, आपको आसान के लिए बस इतना रखना है कि RNH2 जब भी रहेगा, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपका एग्जाम्पल ऐसा रहेगा, इधर CH3CH2NH2 रहेगा मान लेते हैं, तो इसमें अगर हम रिएजेंट ऐड करेंगे तो आप डायरेक्टली क्या बना दोगे, तो आप डायरेक्टली बना देना NH2 को हटा के OH लगा देना। ठीक है, यानी आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, सिंपल वे में ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसके आंसर अल्कोहल बनाना लें। ठीक है, तो बस इतना ही लिखा रहेगा तो भी अल्कोहल पे पहुंचोगे, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना ये काम कब नहीं करोगे, तो ध्यान देना इस प्रोसेस में होने के लिए प्रोसेस यहाँ से होकर गुजरा है, यानी प्रोसेस में देखो यहाँ पे प्रोसेस में पहले कड़ान बना है, कड़ान के बाद वाटर का अटैक होता है ना, तो जब भी कार्बोटेन अनस्टेबल होगा तो ये काम मत करना। ठीक है, यानी ये काम कब नहीं होगा, तो अगर मान लेते हैं इफ R+ इज अनस्टेबल then process stops at RN2+,
इसका मतलब समझो, तो इसका स्टेप क्या क्या था। तो अगर पास RnH2 होगा तो रिएजेंट को डालने पे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप में आपका N2+ बनता है, तो N2+ बन जाएगा यानी Rn2+ फॉर्म कर जाएगा। उसके बाद अगर मान लेते कड़ान स्टेबल है, अगर अनस्टेबल है तो उसके बाद नहीं जाएगा फर्दर। अगर R+ जो है ये अनस्टेबल होगा देन नो रिएक्शन, यानी आपको यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, ये प्रोसेस मत करना, ये प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अब R+ अनस्टेबल क्या क्या होता है जी, आपको बता चुके हैं, आपको अनस्टेबल समझ में आना चाहिए। तो अनस्टेबल समझ ध्यान देना, अनस्टेबल कैटायन किसको बोलते हैं, तो अनस्टेबल कैटायन का मतलब होता है ये आपका एंटी रोमेटिक कैटायन है, ये आपका एंटी रोमेटिक है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये अनस्टेबल कैटायन में लिस्ट में हो जाएगा। और कौन सा लिस्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे अगर चार्ज पॉजिटिव होगा ना, डबल बॉन्ड के ऊपर और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव डायरेक्टली होगा तो भी होता है अनस्टेबल, तो भी होता है वो अनस्टेबल, ठीक। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये सब भी क्या होता है, अनस्टेबल। इस लिस्ट में अगर मान लेते ऐसा कोई कैटायन बन गया, फिनाइल रिंग के ऊपर चार्ज पॉजिटिव बन गया यहाँ पर, तो एक किस कैटेगरी का कैटायन हो गया, तो एक इसका कैटेगरी ये हो जाएगा, फिनाइल रिंग के ऊपर पॉजिटिव बन गया मतलब ए वाला कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बस मैं और कौन सा अनस्टेबल बोले थे, एक ब्रिजर बोले थे, तो कभी भी ऐसा कैटायन देखोगे तो भी अनस्टेबल कैटेगरी का कैटायन है, ये भी अनस्टेबल कैटेगरी का कैटायन है। तो ये अनस्टेबल कैटेगरी का कुछ एग्जाम्पल अगर समझ दिया हुआ है। सिमिलरली अगर बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH+, ये भी अनस्टेबल है, किस कैटेगरी का रहेगा जी, तो यहाँ रहेगा। तो आपके केमिस्ट्री में ये सब अनस्टेबल कैटायन है, और जब भी हम बोलते हैं कि अनस्टेबल है तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अनस्टेबल चीज़ों को आपको रिएक्शन की डिग्री नहीं बनाना है। तो ये बोला गया है डोंट फॉर्म अनस्टेबल कैटायन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इन सारे कैटायन को आपको केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग के दौरान आपको बनाना नहीं है। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि मान लेते हैं कि अगर सामने ऐसा कुछ अमाइन दिया हो, NH2 दिया हो, ठीक है, आपके सामने ऐसा को अगर NH2 होगा सिमिलरली ऐसा कुछ NH2 होगा तो कुछ एग्जांपल दे दे रहा है हम, तो यहाँ अगर डालेंगे Na2+HCl, ठीक है। तो इन सब में अगर सेम चीज डालते हैं तो होता क्या है कि सारे में यहाँ तो बन जाएगा रिएक्शन, यहाँ तक तो रिएक्शन हो जाएगा, बट उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, यानी N2+ तो सारे में बन जाएगा लेकिन उसके बाद जो होता ना कैटायन बनेगा, फिर आपका वाटर का अटैक होगा, तो अगला स्टेप नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा। तो इन सारे केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सिस्टम को यहाँ तक बना देना है, ठीक है, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगा। तो सारे में अगर हम रिएजेंट ऐड करेंगे तो सारा प्रोसेस यहाँ पर होगा, इसके बाद अगला स्टेप में जाना, यानी ये आपका होगा फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा सर आपका फाइनल प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे अल्कोहल मत बनाना है, यहाँ पे आपको अल्कोहल नहीं बनाना है। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सोडियम नाइट्रस यानी Na2+HCl का फंक्शन, ठीक है।